देखो, इस बार वार्निंग वीडियो के स्टार्टिंग में डाल रही हूँ। आज की जो फिल्म है वो रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है और 99.99% चांसेस है कि आपको डिस्टर्ब जरूर करेगी। तो प्लीज कमजोर दिल वाले लोग इस वीडियो को भूलकर भी ना देखें। सच में ये फिल्म बहुत बुरी है। बारी है आज वीडियो सीरीज की फिल्म नंबर 10 से मुलाकात करने की, गर्ल इन द बेसमेंट। वो फिल्म जिसको देखने के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। सोचकर देखो, वो घर जिसको हम दुनिया की सबसे सेफ जगह मानते हैं, अगर वो स्वर्ग से नर्क में बदल जाए तो जिंदगी जियेंगे कैसे। फिल्म की शुरुआत एक कार सीन से होती है, जब एक लड़की अपनी गोद में एक छोटी सी बच्ची को पकड़कर ड्राइवर को तेज गाड़ी भगाने को चिल्ला रही है, क्योंकि ये बच्ची धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। बस ये वाला जो सीन है, इसको अपने दिमाग में स्टोर करके रख लो, आगे वीडियो में कहानी समझने के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अब कहानी शुरू होती है उस कार वाले सीन के ठीक 20 साल पहले। एक फैमिली के दर्शन होते हैं जिसमें पति पत्नी है और दो प्यारी सुंदर सी लड़कियां। इनमें से जो छोटी वाली है सैरा, ये अपनी फिल्म की लीड कैरेक्टर है। बंदी तेज दिमाग की लड़की है जो फ्रीडम और इंडिपेंडेंट लाइफ में यकीन रखती है, जहां पे कोई रोक टोक ना हो, बस चिड़िया की तरह आसमान में उड़ना है इसको। बस इसकी यही खुली सोच घर के राजा मतलब पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है। पसंद की तो बात छोड़ो, जब जब सैरा इनसे जुबान लड़ाती है तो इस बंदे का खून खौल जाता है। नाम तो सुना ही होगा, डॉन। घर की मम्मी जो है वो थोड़ी सीधी सादी और चुपचाप जिंदगी जीने में यकीन रखती है और अक्सर अपनी बेटी और पति के बीच में चलने वाले आर्ग्यूमेंट्स को जैसे तैसे खत्म करने की ड्यूटी संभालती है। लेकिन सैरा की डिक्शनरी में डर नाम का शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसको पंगे लेने में बड़ा मजा आता है और अक्सर रात में ये अपने लवर के साथ बाइक पर लॉन्ग राइड के लिए निकल जाती हैं। क्रिस भैया अपनी सैरा को परमानेंट लाइफ पार्टनर बनाने के सपने देख रहे हैं और कमाल की बात, सैरा भी इन्हीं को अपना मिस्टर परफेक्ट मान चुकी है। कहानी पलटती है जब इस बार पापा को कमरे में सैरा दिखाई नहीं पड़ती और उसकी चोरी पकड़ी जाती है। पूरी रात इंतजार करने के बाद अगली सुबह सैरा और उसके लवर डॉन की आंखों में कैद हो जाते हैं। बस यहाँ पे फिल्म में पहली बार डॉन का इविल साइड बाहर आता है, जब वो अपनी बेटी को 7 दिन के लिए घर में बंद रहने का ऑर्डर सुनाता है। सैरा की बड़ी बहन एमी और मम्मी दोनों उसको सावधान जरूर करती हैं कि डॉन से पंगे लेना काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि पापा का दिमाग बहुत खतरनाक है और उनके लिए इज्जत सबसे ज्यादा मैटर करती है। लेकिन सैरा तो ठहरी सैरा, लड़की अपने 18 बर्थडे की सीक्रेट प्लानिंग उन दोनों को सुनाती है, जब वो हमेशा हमेशा के लिए डॉन और उसके घर को टाटा बाय बाय बोलकर अपने लवर के साथ दुनिया घूमने निकल पड़ेगी। बस डॉन इस बात को अपने कानों से सुन लेता है और ठीक उसी वक्त जिंदगी का सिर्फ एक मिशन बनाता है, सैरा के प्लान्स को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद करके जिंदगी भर उसको इसी घर में अपनी आंखों के सामने कैद रखना। इसके अगले सीन में घर में नीचे बने एक बेसमेंट की पहली झलक दिखाई देती है, जो बाहर से तो मामूली दिखता है, लेकिन दीवार पे बने बुकशेल्फ के पीछे एक सीक्रेट रूम भी है जिसके बारे में डॉन के अलावा परिवार का कोई भी मेंबर नहीं जानता। बस इसी जगह पे आता है फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब डॉन सैरा को एक भारी बॉक्स उठाने के लिए मदद मांगने के बहाने बेसमेंट में एंट्री मारने को राजी कर लेता है और धीरे से उस बॉक्स के साथ सैरा को सीक्रेट रूम में घुसा देता है। बस गेट हो जाता है लॉक, सैरा अंदर बंद और डॉन वापस ऊपर अपने घर में नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। देर रात तक जब सैरा घर में दिखाई नहीं देती तो मम्मी और बहन एमी काफी परेशान होने लगते हैं और एक पुलिस ऑफिसर को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। लेकिन पुलिस के घर आते ही डॉन उनको बताता है कि सैरा काफी टाइम पहले से अपने लवर के साथ घर से भागने की प्लानिंग कर रही थी और हकीकत में यही हुआ होगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इधर बेसमेंट में सैरा कमरे से बाहर निकलने की जीतोड़ कोशिश में लगी हुई है, चिल्लाकर मदद मांग ली, दरवाजा खोलने की, उसके बाद तोड़ने की भी कोशिश कर ली, लेकिन सब कुछ फेल साबित होता है। तब बेसमेंट में एंट्री होती है डॉन की, जो सैरा को बताता है कि गेट पे एक ऐसा डिजिटल लॉक लगा हुआ है जिसका कोड वो रोज बदलता है, अगर 3 बार उसमें गलत कोड डाला जाएगा तो बेसमेंट की लाइट चली जाएगी। लाइट गई तो कमरे में लगा हुआ एग्जॉस्ट फैन स्विच ऑफ हो जाएगा, जिससे बाहर की हवा अंदर आनी बंद और कमरे में धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म होने लगेगी, जिससे फाइनली सैरा की मौत हो सकती है। लेकिन सैरा हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है, उसके दिमाग में एक अलग ही प्लानिंग चल रही है। दरअसल जिस बॉक्स के धोखे वो इस कमरे में आई थी, उसके अंदर जरूरत का कुछ सामान मौजूद है, जिसमें कुछ कपड़े हैं और खाने पीने की चीजें हैं। इसी में मिल जाता है एक स्टील का कैन, जिसका ढक्कन निकालकर सैरा एक वेपन बना लेती है और डॉन पे अटैक कर देती है। लेकिन डॉन बहुत शातिर आदमी है, वो सब कुछ पहले से ही समझ जाता है और सैरा के हाथ से वेपन हटाकर उसको जबरदस्ती दीवार पर ढकेल कर फिजिकली अब्यूज करने लगता है। इसके अगले सीन में सैरा का बर्थडे आता है, जिसको मनाने के लिए डॉन बेसमेंट में एंट्री मारता है। साथ में लाया एक गिफ्ट बॉक्स जिसके अंदर एक रेड कलर की ड्रेस रखी हुई है। डॉन सैरा को ड्रेस पहनने का ऑर्डर देता है और उसको कभी दोबारा पापा ना बुला के सिर्फ उसके नाम से पुकारने की बात करता है, और जब सैरा वो रेड ड्रेस पहनती है तो डॉन उसको दोबारा सेक्सुअली असॉल्ट करता है। अब उसी बेसमेंट में सैरा का 1 साल गुजर जाता है और डॉन के बच्चे के साथ वो प्रेग्नेंट हो जाती है। बिना किसी मेडिकल हेल्प के या फिर दूसरे इंसान की मौजूदगी तक ना होने के बावजूद वो अपने बच्चे को जन्म देती है। इसके आगे क्या हुआ, क्या लगता है सैरा कभी जिंदगी में दोबारा सूरज की रोशनी और रात का अंधेरा देख पाएगी, और डॉन को कभी उसकी हरकतों के लिए सजा मिलेगी या फिर वो किसी और के साथ दोबारा यही चीज रिपीट करेगा? जवाब तुमको खुद ढूंढने हैं तो फिल्म देखनी पड़ेगी। टेंशन मत लो, एकदम फ्री में मिल जाएगी अपने YouTube पे।
कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग मेरे शब्दों में फिल्म की एंडिंग जानना चाहते हैं, आइए, स्वागत है आपका। स्पॉइलर वार्निंग स्क्रीन पे आ गई होगी, तो चलिए शुरू करते हैं। सहरा के गायब होने के बाद उसका लवर क्रिस पहली बार उसके घर आता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, जहाँ पे उसकी मुलाकात डॉन से हो जाती है। डॉन उसको बताता है कि सहरा स्टीव नाम के किसी लड़के के साथ फ्लोरिडा भाग गई है, जहाँ पे वो दोनों ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा झूठ ये कि उसकी मम्मी और बहन इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। बस ये सुनकर क्रिस का दिल टूट जाता है और वो वापस इस घर में कभी ना आने की कसम खा लेता है। कहानी 4 साल आगे बढ़ती है, जब सहरा की बेटी मैरी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, लेकिन सहरा एक बार फिर से डॉन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर 3 साल और गुजरते हैं। 7 साल बेसमेंट में बंद रहने के बाद सहरा की फैमिली 3 लोगों की हो जाती है, बेटी मैरी और छोटा बेटा माइकल। ये दोनों बच्चे डॉन को अपना पापा समझते हैं और उसको डैड बोलकर पुकारते हैं, जो उनको बेसमेंट में बंद रखने के लिए एक अजीब सा रीजन देता है। उसके हिसाब से उन बच्चों के नीचे बंद होने की वजह कोई और नहीं, खुद उनकी माँ है, जो आज तक 7 साल बाद भी एक अच्छी लड़की की तरह बर्ताव करना नहीं सीख पाई है। अगले सीन में कहानी में एक बार फिर से क्रिस की एंट्री होती है, जो कई सालों बाद सहरा की एक झलक देखने को घर के बाहर से गुजरता है, और इस बार उसकी मुलाकात बड़ी बहन एमी से हो जाती है। जब एमी अपने पापा की झूठी कहानी सुनती है, जिसके हिसाब से सहरा किसी लड़के के साथ भाग गई थी, तो उसको धीरे धीरे शक होने लगता है कि दाल में कुछ तो काला जरूर है। फिर होती है घर में लड़ाई, जब मम्मी बेटी डॉन के ऊपर सवाल खड़े करती हैं, और इसी बीच एमी बेसमेंट की चाबी निकालकर अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन ठीक उसी वक्त डॉन नीचे पहुंच जाता है और उसको वहां से भगा देता है। फिर कहानी 14 साल आगे बढ़ती है और एक बार फिर से सहरा डॉन के साथ प्रेग्नेंट होकर 3रे बच्चे को जन्म देती है, लेकिन इस बार वो उस बच्चे को डॉन को अपने साथ ऊपर रखने को मना लेती है। अगले सीन में बजती है दरवाजे की घंटी, जब मम्मी लॉक खोलती है तो पैरों पे नीचे एक बच्चा रखा होता है और साथ में एक चिट्ठी, जिसमें सहरा की हैंडराइटिंग में साफ साफ लिखा होता है कि वो बच्चा उसी का है, लेकिन वो उसको पाल नहीं सकती, वो जिंदा है, ठीक है, उसको ढूंढने की कोशिश मत करना। मम्मी बच्चे को उठा लेती है और खुशी खुशी में साइड में छुपी हुई एक दूसरी चिट्ठी को इग्नोर मार देती है, जो डॉन के हाथ लग जाती है, जिसमें सहरा ने मदद मांगने के लिए पुलिस को बुलाने की बात कही थी। इस बात से डॉन पागल होकर बेसमेंट की तरफ दौड़ता है और सहरा को एक बार फिर से जबरदस्ती वही रेड ड्रेस पहनाकर सेक्सुअली अब्यूज करने लगता है। अब कहानी 17 साल आगे बढ़ती है, जब बेसमेंट में पहली बार बारिश की एक बूंद टपकती है। बस यहाँ से सहरा और उसके बच्चों को बाहर निकलने की पहली उम्मीद दिखाई देती है। सहरा एक चम्मच की मदद से छत में बनी छोटी सी दरार को धीरे धीरे बड़ा कर देती है और रात में उसे फ्लैशलाइट मार के बाहर सिग्नल करने लगती है, जो सड़क पर डॉग घुमाने वाले एक बंदे को नजर आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पे दस्तक देता है, डॉन उसको सब कुछ नॉर्मल है बोलकर वहां से भगा देता है और अपने अंदर छुपे बैठे जानवर को एक बार फिर से बाहर निकालने बेसमेंट की तरफ भागता है। इस बार डॉन सहरा पे वायलेंट हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके पेट में मौजूद बच्चे को चोट लग जाती है और कुछ दिन बाद सहरा एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है, जिसे बाद में डॉन अपने गार्डन में दफना देता है। अब बारी है क्लाइमेक्स की, जब कहानी 20 साल आगे बढ़ जाती है और डॉन की नौकरी चली जाती है। घर में मौजूद 2 फैमिली, पहली डॉन, पत्नी, बेटी एमी और पोता थॉमस, दूसरी फैमिली नीचे बेसमेंट में सहरा और उसके 2 बच्चे। इतने लोगों को एक साथ पालना डॉन के लिए मुश्किल हो जाता है और वो फाइनली नीचे वाली फैमिली से छुटकारा पाने का मन बनाता है। कार का इंजन स्टार्ट करके उससे निकलने वाले धुएं को एक पाइप में भर के डॉन उसका मुंह नीचे बेसमेंट की तरफ हवा फेंकने वाले एग्जॉस्ट फैन की तरफ घुमा देता है, जिससे नीचे मौजूद सहरा और उसके बच्चों का दम घुटने लगता है। सबसे ज्यादा असर पड़ता है बड़ी बेटी मैरी पे, जिसकी हालत अस्थमा पेशेंट की तरह काफी नाजुक हो जाती है और फाइनली सहरा डॉन को उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए एग्री कर लेती है। लेकिन डॉन ठहरा मास्टरमाइंड, वो सहरा के बेटे माइकल को उसी जगह पे लॉक करके जाता है, जिसके बदले सहरा को मुंह बंद रखने की धमकी दी जाती है, वरना उसका बेटा इसी कमरे में घुट घुट कर मर जाएगा। बस अगले सीन में सहरा अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां पे मौजूद एक डॉक्टर डॉन की अजीब सी बातें सुनकर उसको शक से घूरने लगती है। तभी अचानक वहां से एक पुलिस ऑफिसर गुजरता है और फाइनली थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर सहरा उसकी तरफ पूरी जान लगाकर भागती है और डॉक्टर की मदद से डॉन का पूरा सच ऑफिसर को बता देती है। आखिरकार डॉन को उसके घिनौने कामों की सजा मिलती है, जब पुलिस उसको अरेस्ट करके जिंदगी भर के लिए जेल के पीछे डाल देती है। फिर आता है फिल्म का एंड सीन, जब सहरा और उसकी पूरी फैमिली यूनाइट हो जाते हैं और गेट पर किसी बाइक के रुकने की आवाज सुनाई पड़ती है। यहाँ पे क्रिस और सहरा एक दूसरे से 20 साल बाद मुलाकात करते हैं, जहाँ पे क्रिस उसको एक हेलमेट गिफ्ट करता है, जिसे पहनकर वो 20 साल पहले भागने वाले थे। फिर होती है हैप्पी एंडिंग, जब दोनों बाइक पे बैठकर एक लॉन्ग राइड पे निकल जाते हैं। दोस्तों, कहानी खत्म, दी एंड, फुल स्टॉप। सच सच बताना, ये पूरी कहानी किसी डरावने सपने जैसी नहीं लगती? जिसके बारे में हम दूर दूर तक सोच नहीं सकते, उसको रियल लाइफ में जीना तो इम्पॉसिबल होगा। देखो, ये तो सिर्फ तुमने कहानी कानों से सुनी है, लेकिन जब इसको आंखों से देखोगे तो यकीन मानो दिल की धड़कन भी डर से कांप जाएगी। अगर रिस्क लेना चाहते हो तो फिल्म यूट्यूब पे मिल जाएगी। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।